नमस्कार, यानी टीवी के पॉजिटिव न्यूज हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका पालीवाल और आज की खबरों में सबसे पहले, केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक हर महीने 16,000 से ज्यादा नई कंपनियां बनी। इन सभी कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी ज्यादा रही। 2014 में नई बनने वाली कंपनीज में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 40 और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 थी, जो अब 28 और 29 फीसदी हो गई है। कोरोना की इस परिस्थिति में यह एक अच्छी खबर है। इसके देखते हुए सरकार नए नए रिफॉर्म ला रही है जो नए उद्यमियों के लिए है। इस वजह से जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हैं। सर्दियों में लद्दाख का तापमान 30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। इस दौरान पूरे इलाके का सड़क संपर्क भी टूट जाता है। इसको ध्यान में रखकर भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात रहने वाले सैनिकों के लिए आधुनिक आवास तैयार किए हैं। इनके बन जाने के बाद सर्दियों के मौसम में भारतीय सैनिकों की ऑपरेशन एफिशिएंसी में इजाफा होगा। सेना ने कहा कि नए हाउस बेहतर सुविधाओं से लैस हैं। इनमें बिजली, पानी, हीटिंग की सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और सफाई का भी ध्यान रखा गया है। आर्मी के पास अभी तक सर्दियों में तैनाती के लिए स्मार्ट कैंपस ही मौजूद थे। नए आवास उनकी कमी भी पूरी करेंगे। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट छात्राओं को सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल प्राप्त छात्राएं मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ईशा चौधरी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में मंजू कंवर, एमएससी केमिस्ट्री में सीनम खानम, एमएससी ज्योग्राफी में निशा चौधरी तथा मास्टर्स इन एजुकेशन में सोनू कुमारी ने कॉलेज प्रबंधन, टीचर्स, अपने माता पिता और बड़ों का आभार व्यक्त किया और अपनी सफलता का श्रेय इन सभी के सपोर्ट और मोटिवेशन को दिया। कोविड 19 के चलते लॉकडाउन में ऐसी बहुत सी कहानियां सामने आई हैं जिनमें लोगों की उदारता और सहायता नजर आई। ऐसी ही एक और कहानी है तेलंगाना के मोहम्मद आसिफ सोहेल की। आसिफ सोहेल अपनी एक संस्था चलाते हैं जिसके तहत वो दिन में कई हजारों गरीबों को खाना खिलाते हैं। और ये कहानी इसीलिए भी खास है क्योंकि आसिफ ने यह संस्था अपनी पत्नी और बेटी की याद में बनाई है। आसिफ रोज अपनी इस कोशिश के तहत गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं और ऐसा वो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें और बियानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।